आज की इस कक्षा में हम पाठ परिमेय संख्याएं के प्रश्नावली 1.2 को हल करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है? पहला प्रश्न लेके हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का A, 1/3 इसका योज्य प्रतिलोम। इसका यह अर्थ हुआ कि इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए। तो जो संख्या हम जोड़ेंगे वही 1/3 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो आप निश्चित रूप से देखें यहां पर हम क्या भर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, -1/3। तो -1/3 अगर हम 1/3 में जोड़ दें तो यह निश्चित रूप से इसका मान 0 हो जाएगा। आइए इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। इसे हटा देते हैं, इसे हम जोड़ के देखते हैं। 1/3 में -1/3 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/3 जोड़, और ये जोड़ और माइनस ये है ना, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा -1/3 और 1/3, चलिए एलसीएम निकाल दिए, लॉस ऑफ 3, तो ये हो गया 1-1 यानी 0/3 यानी 0। तो हमने देखा कि 1/3 में जब हम -1/3 जोड़ते हैं तो इसका मान 0 आ जाता है। तो इस तरह से 1/3 का प्रतिलोम हुआ, योज्य प्रतिलोम हुआ -1/3। तो यहां 1/3 का प्रतिलोम हो गया -1/3। तो यहां देख रहे हैं ये धनात्मक है तो इसका प्रतिलोम ऋणात्मक हुआ। इसी तरह से ये ऋणात्मक है -5/9 तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9 यानी ऋणात्मक का धनात्मक। फिर यहां ऋणात्मक है -11 तो इसका हो जाएगा 11। ये ऋणात्मक है 9/-7 तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 9/7। अब प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं, कौन सा युग्म क्रम विनिमय है, हां अथवा नहीं में उत्तर दें। यहां आपकी किताब में संवृत छपा हुआ है जो मिस प्रिंट है, इसे आप काट दें, इसे आप कर लें क्रम विनिमय। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ये है 2/7 + 3/4। अब दूसरे में क्या कर रहे हैं, इसका क्रम को बदल दे रहे हैं, 3/4 + 2/7। अब हमें बताना है क्रम विनिमय का अर्थ ये हुआ कि इसका पहले वाले का मान और दूसरे वाले का मान जब हम क्रम बदल देते हैं बराबर है अथवा नहीं। अगर ये दोनों बराबर मान है तो ये क्रम विनिमय है, और अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो ये पहला वाला चूंकि योग है इसलिए यहां हां, दूसरा वाला ये भी योग है तो यहां भी हां, तीसरा वाला ये व्यवकलन है तो व्यवकलन में, परिमेय संख्याओं के व्यवकलन में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है तो ये हो गया नहीं। ये चौथा देख रहे हैं, डी नंबर, यहां पर थोड़ा सा एक सुधार की जरूरत है। ये इसका क्रम जब बदलेंगे तो ये -2/3 है तो यहां भी ये -2/3 होना चाहिए। चलिए ये कर दिए, यहां पर आप भी कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ये ब्लैक से करना था, चलिए ये यहां पर आप भी सुधार लीजिए, ठीक है। तो चूंकि ये भी व्यवकलन है, ये भी व्यवकलन है तो ये भी इसमें भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा, अर्थात ये इसका मान और इसका मान बराबर नहीं होगा। इसे आप खुद से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। आइए एक मैं वेरीफाई करके दिखा दूं, कौन सा लूं, चलिए सी नंबर लेता हूं। सी नंबर, तो सी नंबर का पहला है 12/13 और ये --5/7,
तो 13 और 7 का लसअ हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 13 सते 91। तो ये 13 से देंगे तो 7 12 सते 84, और ये माइनस तो 7 से देंगे यहाँ 91 में तो 13 बार जाएगा, तो 13 पचे 65 माइनस 65। तो इसका मान हमारा हो जाएगा 84 और माइनस माइनस प्लस 65/91। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 8 और 6 14/91। तो इसका मान आ गया। अब दूसरा वाला, अब हम क्रम बदलते हैं, यहां क्रम बदला हुआ है देखिए, -5/7 और -12/13, इसका मान क्या होता है? तो लॉस तो फिर उतना ही आएगा 91, और 7 से इसमें देंगे तो 13 13 बचे 65, तो ये -65 हो गया, और ये फिर माइनस है 13 सते 91 और 7 से 12 देंगे 12 सते 84। अब देखिए ये दोनों का चिन्ह एक ही है, माइनस है, तो ये जोड़ हो जाएगा, तो 5 4 9 और 8 6 14, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो ये हो गया -149/91। तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला इस क्रम में, जब ये 12/13 पहले है उसमें मान आ रहा है 149/91, और जब हम क्रम बदल दे रहे हैं परिमेय संख्याओं का तो उसका मान बदल जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम विनिमेय नियम लागू नहीं होता है। इसे हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, 12/13 घटाओ -5/7 इज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है -5/7 -12/13। लेकिन प्रश्न में आपको इतना करना नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। यहां प्रश्न में सिर्फ ये हाँ हाँ नहीं नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमेय गुण को सत्यापित कीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं, मैं एक प्रश्न को हल कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 3, ए नंबर, -7/5 और 3/8। तो पहले मैं इस क्रम में लेता हूं, -7/5 जोड़ 3/8, और फिर दूसरा हम इसका क्रम बदल दे रहे हैं तो ये 3/8 जोड़ -7/5। तो दोनों का मान हम निकाल के देखते हैं, तो यहां 5 और 8 का लॉस यानी एलसीएम हो जाएगा 40, तो 5 8 40, 8 7 56, तो ये हो जाएगा -56, और उसके बाद है ये प्लस 8 5 40, 8 से भाग देंगे 40 में 5, और 5 से 3 में गुना करेंगे, 5 3 आई 15। तो ये चिन्ह असमान है तो ये घटाव हो जाएगा, घट जाएगा, तो 6 से 5 घटाएंगे 1, और 5 से 1 4, और इसका चिन्ह होगा माइनस, तो ये -40 41/40 आ गया। अब क्रम बदलने के बाद अब इसको भी हल करते हैं, तो ये 8 और 5 का लसअ फिर यहां 40 ही होगा, और 8 से 40 में देंगे भाग तो 5 और 5 3 आई 15, और ये फिर प्लस, और ये फिर है 5 से 8 बढ़ जाएगा, और 8 से 7 को गुना करेंगे तो 56, तो -56 हो जाएगा। तो यहां 15 और ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -56/40। तो हम देख रहे हैं फिर ये घटाव होगा, यहां प्लस है यहां माइनस है तो घटाव होगा, तो ये हो जाएगा -41/40। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्रम बदलने के बाद भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या है?
कि ये क्रम विनिमय इसमें लागू है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, माइनस 7/5 जोड़ 3/8 बराबर है 3/8 जोड़ माइनस 7/5। तो हम लिख सकते हैं क्रम विनिमय सत्यापित, क्रम विनिमय सत्यापित। यही सत्यापित हमें करना था कि क्रम विनिमय, तो यह सत्यापित हो गया, अर्थात क्रम बदलने के बाद भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि साहचर्य गुण को सत्यापित करना है। तो मैं इसका एक प्रश्न हल कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 4 का ए। पहले प्रश्न लिख रहा हूं, -2/3 जोड़ 3/5 जोड़ -5/6 बराबर है -2/3 जोड़ 3/5 प्लस -5/6। तो इधर बराबर के जो बाईं ओर है इसे हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के जो दाहिनी ओर है इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS। तो हम बारी बारी से LHS और RHS का मान निकाल के और इसे सत्यापित करने की कोशिश करेंगे कि दोनों का मान बराबर आ गया। तो हम LHS पहले निकालते हैं, LHS तो ये है -2/3 जोड़ 3/5 जोड़ -5/6। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -2/3 जोड़, और ये ब्रैकेट की क्रिया हम पहले कहते हैं क्योंकि बोर्ड मास रूल से हम ये जानते हैं कि ब्रैकेट की क्रिया पहले होगी। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर ये हर है 5 और 6, तो इसका लसा हो गया 30। तो 5 से अगर हम 30 में भाग देते हैं तो 6 बार आता है, और 6 तिहाई 18। फिर यहाँ प्लस है, और ये 6 से 5 में 30 में देंगे तो 6 5 30 5 हुआ, और 5 5 25 यानी -25। अब ये हो गया -2/3 जोड़ ये 18 और प्लस माइनस -25/30। तो ये हो जाएगा -2/3 और प्लस 18 माइनस 25 करेंगे तो -7 आ जाएगा, -7/30। अब यहां पर लिख रहा हूं, अब 3 और 30 का लॉसा हमारा हो जाएगा 30। तो 3 से देंगे 30 में भाग तो 10 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा -20, और ये प्लस प्लस और माइनस माइनस हो गया यहां पर, और ये हो जाएगा 7। तो ये हमारा आ गया -27/30, और इसे हम कैंसिल करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा -9/10। तो LHS का हमारा मान आ गया -9/10। अब RHS देखते हैं, RHS तो ये है ब्रैकेट -2/3 जोड़ 3/5 और ये प्लस -5/6। तो पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, तो 3 और 5 का हमारा लसा आ गया 15, और यहां 3 से 5 में भाग 15 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 3 5 15 5 और 5 2 10, तो ये हो गया 10 जोड़ 5 से 15 में देंगे 3 तो 3 3 9, और इधर है प्लस -5/6। तो ये -10 और प्लस 9 ये हो गया -1/15, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 5/6।
तो 15 और 6 इसका लसा हमारा आ जाएगा 30। तो ये 15 दूनी 30 दो हो गया, और एक से करेंगे तो 2 एक 2, तो -2 माइनस, और 6 से देंगे तो 6 5 30 है ना, और 5 5 25, तो ये हो गया -27/30, और बराबर इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे तो -9/10। तो हम देख रहे हैं कि LHS ये आया और RHS भी वही आया, दोनों का मान बराबर है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS सत्यापित। इसी तरह से हम प्रश्न संख्या बी को भी सत्यापित करेंगे, ये आप खुद से